झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग, चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका अहम। महिला मतदाताओं की बढ़ी ताकत। ।2019 में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की संख्या 914 थी। इस बार प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की तादाद 981। राज्य में पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 1,31,44,236, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,99,019 है। राज्य की 81 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। झारखंड में विधानसभा के चुनावी जंग में इस बार महिलाएं बड़ी शक्ति होंगी। वोटरलिस्ट के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। राज्य में वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की संख्या 914 थी। इस बार प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की तादाद 981 है। खासकर आदिवासी समुदाय की महिलाएं अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये मानना है सियासी जानकारों का। लोग तो मैया समान यात्रा में 3 प्रमंडल कवर किए, उसमें कोल्हान में खास करके जब हम लोग गए जहाँ ट्राइबल सीट्स की संख्या अधिक है, या साउथ छोटा नागपुर वाला जो एरिया हमने कवर किया, महिलाएं बहुत उत्साहित होकर के घरों से बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल जो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है वहाँ की महिलाओं का उत्साह देखते बनता था। हर जगह उन्होंने बहुत उत्साह के साथ हम लोगों का स्वागत किया, कई तरह के ताज पहनाए। तो ये तय है कि इस बार महिलाएं खुल करके महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगी। बता दें कि राजनीतिक दल जोर शोर से महिला वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। दिलचस्प बात है कि राज्य के 81 में से 32 विधानसभा सीट में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। मौजूदा JMS कांग्रेस गठबंधन सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इन सीटों पर महिलाओं की निर्णायक भूमिका। बोरियो, बरहेट, लिट्टी फाड़ा, फाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, खरसावा, जाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तमाड़, खिचड़ी, खटिया, कांके, मंडार, तोरपा, खूटी, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेड़ा, कोलेबिरा, लोहरदागा और मनिका शामिल हैं। बता दें कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में महिला मतदाताओं की अनुपात में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है। मई जून में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या 963 थी। अब प्रति 1000 पुरुष मतदाता पर 18 और महिलाएं बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी के योजनाओं से सबसे ज्यादा अगर किसी को जीवन को सुलभ करने में हम सफल साबित हुए तो महिलाएं हैं। चाहे उनको आवास देना हो, चाहे उनको ईंधन गैस का कनेक्शन देना हो, चाहे फिर घर तक नल का जल देना हो, या फिर आयुष्मान की योजना से इलाज कराने की व्यवस्था करनी हो, ऐसे कई एक योजनाएं जो है जो सीधे तौर पर अपने जनजातीय महिलाओं सहित सभी मूलवासी आदिवासी महिलाओं के जीवन में उन्नयन लाने में सफलता प्राप्त की है। विपक्षी NDA का जोर भी महिला वोटरों पर है। वे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं। बता दें 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।